हे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इधर कुछ दिनों से सुन रहे होंगे हैकिंग वगैरह की समस्या काफ़ी बढ़ गई है यार। मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है, हैकर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों, लॉकडाउन के बाद और हैकर्स लोग को भी कोई काम नहीं है, उन्होंने हैकिंग वगैरह ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कैसे अपने अकाउंट्स को बचा सकते हैं, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर दोस्तों बैंक अकाउंट को कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही सब बात करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, और दोस्तों ये आपके फायदे के लिए वीडियो, तो वीडियो पूरा जरूर देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और टेक के बारे में अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुधानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, हैकर्स यार, ये मतलब कि डिजिटल दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ कहूँ तो सही होगा दोस्तों, गलत तो हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, हैकर्स हैकिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो एकदम प्रोफेशनल हैकर होते हैं ना, वो चिंदी से हम लोग का अकाउंट नहीं चोरी करेंगे। वो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये कौन करता है? तो दोस्तों, ये हम ही जैसे कोई आम पब्लिक होता है जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, और वो हैकिंग करना शुरू कर देते हैं अपने मतलब के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको अपना व्हाट्सएप, जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर कोई भी सोशल अकाउंट दोस्तों सिक्योर करना है, तो सबसे पहले आप अपना पासवर्ड को सही रखें दोस्तों। और दूसरी बात, हर सप्ताह या फिर महीना में दोस्तों जरूर अपना पासवर्ड को चेंज करें। और पासवर्ड ऐसा नहीं कि क्वर्टी या फिर पूजा, आई लव यू या कुछ रख दिए पासवर्ड के तौर पे, जो बहुत आसानी से हैक हो जाए, ऐसा पासवर्ड नहीं रखना है दोस्तों। आप लोगों को कम से कम दोस्तों एक स्पेशल करेक्टर अपने पासवर्ड में डालना है दोस्तों। नंबर्स डालने, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके एक पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड रखना है दोस्तों। और थोड़ा बड़ा रखना है, जो कि आपको याद हो दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए ये पासवर्ड, वैसा पासवर्ड रखें जिससे कि लोग आपका पासवर्ड आसानी से एकदम गैस करके ना पता लगा ले दोस्तों। ज्यादातर लोग तो अकाउंट इसीलिए हैक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत आसान पासवर्ड रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, आप कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो? आप पासवर्ड भी सही रख लिए, उसके बाद क्या करें? तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करना पड़ेगा अपने अकाउंट में दोस्तों। आपको व्हाट्सएप में भी टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाता है, जीमेल, मतलब आज के टाइम पे जितना सोशल मीडिया अकाउंट है दोस्तों, जो कि ऑफिशियल और अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट है दोस्तों, उन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, व्हाट्सएप का कुछ ऐसा है, और आप खोजोगे और यूट्यूब पे सर्च भी करोगे यार टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करें, तो वो सभी बात आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर ले दोस्तों। किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करके रखें, तभी दोस्तों आपका अकाउंट सिक्योर रह पाएगा। मतलब छोटे मोटे हैकर से बच सकते हो। कोई प्रोफेशनल हैकर रहा तो यार फिर तो अपना अकाउंट मैं खुद नहीं बचा पाऊंगा। और दूसरा बात दोस्तों, कि आपको अगर कोई लिंक से सेंड करता है कि भाई इस लिंक को टच करो, आपको ये मिल जाएगा, जियो का ऑफर आया है, 10 GB डेटा मिल जाएगा, तो दोस्तों ये सब लिंक्स को आप पहले अच्छे से चेक कर ले। हाँ, कभी कभी जियो ऐसा लिंक शेयर करता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता है दोस्तों। पेटीएम का लिंक आता है, बहुत सारा लिंक मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप उस लिंक को अच्छे से देखें दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कौन सा लिंक सही नहीं है, व्हाट्सएप भी बता देता है आजकल, और उस पर देख ले लिंक पे HTTPS है या नहीं। और दोस्तों, S का मतलब सिक्योरिटी होता है, मगर ये मत समझिए कि उस लिंक पे जाएंगे तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। तो दोस्तों, लिंक को बहुत सोच समझ कर और विचार करके ही टच करें उस लिंक पे, तो दोस्तों आपका डेटा सिक्योर रहेगा और आपका अकाउंट बच सकता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स का स्पॉन्सर्स के नाम पे ऐसे ही अकाउंट हैक हो गया था, और बहुत बड़े यूट्यूबर्स का अकाउंट हैक हुआ था दोस्तों। ये नहीं कि जिसका 5,000-3,000 सब्सक्राइबर है उन लोगों का। तो दोस्तों, आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट कुछ इस तरह से भी ये सिक्योर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि OTP। आप कभी कभी सोचते होंगे दोस्तों, आपके फ़ोन में OTP क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, OTP इसीलिए आता है आपके फ़ोन में क्योंकि कोई आपके अकाउंट के साथ
छेड़छाड़ कर रहा है, कोई आपके अकाउंट में लॉगिन होना चाहता है, तो दोस्तों गलती से भी किसी को ओटीपी मत दे देना, जिससे कि वो आपका अकाउंट आसानी से एक्सेस कर ले। तो दोस्तों ओटीपी आपको कभी नहीं शेयर करना है। मैं बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत कॉल्स आती है, सबसे ज़्यादा शिकायत इसी बात की है दोस्तों कि ओटीपी आ जाता है और हम लोग दे देते हैं दूसरे को दोस्तों। मतलब कि बैंक के तौर पर तो बहुत बार आता है, मतलब कॉल आता है कि अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह ठीक करवा लीजिए, फिर से बनवा लीजिए, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ कॉल आता है और भी बहुत तरह का रीज़न बताते हैं और आपसे ओटीपी पूछा जाता है, आपके फ़ोन पे आता है। तो दोस्तों वो ओटीपी कभी नहीं बताना है, एक ऑफिशियल बैंकर जो आपको कॉल करेगा वो आपसे ओटीपी कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है दोस्तों तो वो आपके फ़ोन पे ही बोलेंगे कि आप ओटीपी टाइप कर दीजिए, वो आपसे ओटीपी कभी नहीं मांगते हैं दोस्तों। तो ये बात का ध्यान रखें कि आपको ओटीपी किसी भी हालत में किसी को नहीं देना है। तो दोस्तों आपका अकाउंट जरूर सिक्योर रहेगा, खास करके दोस्तों बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों आप अपना ओटीपी को बचा कर रखें, हमेशा सिक्योर करके रखें, तभी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा दोस्तों और आपके बैंक अकाउंट के पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों यही कुछ थे दोस्तों जो मेन टॉपिक आपको करना है दोस्तों, तभी आप बच के रह सकते हैं हैकरों से। और दोस्तों बड़े हैकर जो रहते हैं वो उन सभी से दोस्तों आप बच जाओगे, क्योंकि आजकल सभी कंपनियां काफ़ी कोशिश करती है कि हमारे यूज़र्स का अकाउंट हैक ना हो। तो दोस्तों अपने तरफ से भी कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सभी बातों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कभी कोई अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। मेरा तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो कभी नहीं दोस्तों, मेरा अकाउंट कभी नहीं हैक हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सभी कुछ एक्टिव करके रखता हूँ और ओटीपी अपना कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो दोस्तों इन सभी बातों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों एक यूपीआई पे रिक्वेस्ट आता है, तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पैसे ना दें दोस्तों, उससे ही पैसा चला जाता है, उसको आपको खुद से भेजना रहता है। मतलब कोई रिक्वेस्ट भेजा और आपसे यूपीआई पिन डालने बोल रहा है, तो दोस्तों पिन कभी मत डालना, आपके पैसे वैसे चले जाएंगे। तो अपना कमेंट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई जरूर देना, आपका अकाउंट हैक हुआ है या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों आपका कोई सवाल या सुझाव है चैनल से रिलेटेड, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए दोस्तों मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ हर रोज। और दोस्तों मेरा 5000 का गोल है यार, 3000 प्लस हो चुका है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ना भूलना, जिससे कि जब भी कोई मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चलेगा मैंने टेक्निकल वीडियो अपलोड किया है। आप लोग का वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित बदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।